हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पोएम अ रोड साइड स्टैंड का। भाई ये पोएम आप लोगों में बहुत डिफिकल्ट मानी जाती है, पर मैं आप लोगों के लिए इस पोएम को बिल्कुल आसान बनाने वाला हूँ इस पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स के लिए। नीचे फर्स्ट कमेंट में चले जाओ, आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएंगे पीडीएफ्स के। आपको अगर मेरे से पढ़ते हो, आपको पता है मैं अबाउट द पोएट में से हमेशा पोएम स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं, बट यहां पे कुछ ऐसा जानने वाला नहीं है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इस पोएम को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, तो हम इस सेक्शन को स्किप करेंगे। बस आपको जो जानना है वो ये है कि ये पोएम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो कि एक वर्ल्ड में जाने माने राइटर हैं जो लिखते हैं गरीब और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के ऊपर। इनकी पोएम बहुत फेमस है। और पोएम के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पे आने से पहले मैं क्लियर कर दूं रोड साइड स्टैंड किसको कहते हैं। भाई ये जो छोटे ठिए ठेले या दुकानें आप देखते हो रोड के साइड में, जैसे नाम ही कहता है रोड के साइड में आप ये जो लगे हुए देखते हो, इनको कहते हैं रोड साइड स्टैंड, जो कई काफी ज्यादा गरीब लोग लगाते हैं। और इन पे बहुत अलग अलग तरीके की चीजें बेची जाती है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फिर फ्लावर्स या गिफ्ट्स भी बेचे जाते हैं। बहुत अलग अलग चीजें अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग बेची जाती है, और उन्हीं लोगों के ऊपर ये पोएम है, उनके दिल के दर्द के ऊपर। तो चलो यार पोएम का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन क्या है, द लिटल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटल न्यू शेड। क्या कहा गया है कि एक पुराना छोटा सा घर है जो कि आउट हुआ है, मतलब जो कि बढ़ाया गया है उस घर में रहने लोगों के द्वारा, थोड़ा सा बड़ा किया गया है अपने, वो घर से थोड़ा बाहर निकाला गया है। किस चीज़ से, एक लिटल न्यू शेड से। शेड का मतलब क्या होता है, एक छोटी सी छत लाई गई है उस घर के बाहर। आपने देखा होगा एक प्लास्टिक की छत बिछा लेते हैं लोग अपनी थोड़ी झुग्गियाँ छोटे घरों के बाहर अपने आप को धूप और बारिश से बचाने के लिए, और उस शेड के नीचे उन्होंने एक रोड साइड स्टैंड लगाया, मतलब उस घर के लोगों ने अपने लिए छोटा सा नया बिजनेस स्टार्ट किया है इन फ्रंट और एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। और उन्होंने कहां स्टार्ट किया है, उन्होंने स्टार्ट किया है एज ऑफ द रोड, मतलब रोड के जो कोना होता है उसके बिल्कुल सामने ही, जहां पे ट्रैफिक स्पेड करता है। स्पेड का क्या मतलब होता है, स्पेड होता है पास्ट पार्टिसिपल ऑफ स्पीड, मतलब जहां पे ट्रैफिक स्पीड से चलता है। मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए एक फोटो भी लगाई है। देखो यार ये कुछ ऐसा सा घर था जो कि रोड के किनारे था, और उसके बाहर उस घर के रहने वाले लोगों ने एक थोड़ा सा अपना भाई शेड लगा लिया और वहां पे अपना छोटा सा सामान बेचना चालू कर दिया थोड़ी इनकम के लिए। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। ये बात क्या करी गई है कि ये जो रोड साइड स्टैंड है ये बहुत पैथेटिकली प्लेड करता है। प्लेड करने का क्या मतलब होता है, प्लेड का मीनिंग होता है पास्ट पार्टिसिपल ऑफ प्लीड। प्लीड का क्या मतलब होता है, जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो, जब आप किसी को प्लीज कहते हो, तो क्या कहा गया है। पैथेटिक का क्या मतलब होता है, पैथेटिक का मतलब होता है बहुत बुरी तरीके से या फिर बहुत ज्यादा इंटेंस वे में, गंदे तरीके से। तो क्या कहा गया है कि वो जो रोड साइड स्टैंड है वो बहुत इंटेंसली बहुत बुरी तरीके से प्लीड कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है किस चीज के लिए। आगे की लाइन में बताया गया है, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। पोएट क्लियर कर देते हैं कि वो जो रोड साइड स्टैंड है, वो जो प्लीड कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, वो एक डोल ऑफ ब्रेड के लिए नहीं कर रहा। डोल का क्या मतलब होता है, देखो डोल का मतलब होता है अ स्मॉल पोर्शन ऑफ मनी और फूड गिवन टू अ पुअर पर्सन। मतलब डोल, जब आप अपने पैसे या फिर अपने खाने में से थोड़ा सा हिस्सा किसी गरीब को फ्री में दे देते हो, एक चैरिटी कर देते हो, उसे डोल कहते हैं। तो पोएट क्लियर कर देता है कि यह फेयर नहीं होगा कहना कि वो जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो डोल ऑफ ब्रेड के लिए कर रहे हैं, मतलब वो आपका खाना या पैसा फ्री में चाहते हैं, पर वो किस चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश। तो अब ये रोड साइड स्टैंड के लोग प्लीड कर रहे हैं उस मनी के लिए, थोड़े से कैश के लिए, यानी वो भीख नहीं मांग रहे हैं पर वो चाहते हैं कि लोग उनके पास आए, उनसे सामान खरीदे और उन्हें वो मनी और वो कैश दे। Whose flow support, जिसका आदान प्रदान सपोर्ट करता है, क्या सपोर्ट करता है, the flower of cities from sinking and withering faint, मतलब जो सिटीज के फ्लावर है। अब देखो फ्लावर्स का यहाँ पे लिटरल मीनिंग नहीं है कि वो सिटीज के फूलों की बात कर रहे हैं पोएट, यहाँ पे मतलब है कि जो सिटी की लाइफ है, जो इन गरीब लोगों के भाई मन में इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया, बहुत लग्जूरियस और बिल्कुल कंफर्ट भरी है, उस फ्लावर्स ऑफ सिटीज को
फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग, फेंट होने से बचाता है. मतलब वो कैश जो है वो सिटी के लाइफस्टाइल को सिंकिंग यानी डूबने से बचाता है. और विदरिंग फेंट, विदरिंग का क्या मतलब होता है, विदरिंग का मतलब होता है टू श्रिवल फेड और डिके. डिके मतलब एक तरीके से सड़ना, और फेंट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से बिल्कुल भाई अपना रंग लूज कर देना, अपना अपनी लाइफ लूज कर देना. तो वो क्या कहता है कि भाई ये जो सिटी का कैश है वो सिटी के लाइफस्टाइल को बचाए रखता है डूबने से और बिल्कुल सड़ के मरने से. वो कैश ये गरीब लोग थोड़ा सा चाहते हैं ताकि इनकी लाइफ भी इंप्रूव हो. द पॉलिश ट्रैफिक पास विद अ माइंड अहेड. अब क्या कहा है पोएट ने, उसने बताया क्या सिनेरियो चल रहा है कि जो पॉलिश ट्रैफिक है, यानी जो ट्रैफिक है जो गाड़ियां वहां से निकल रही है, उन गाड़ियों को पॉलिश्ड क्यों कहा गया है, क्योंकि भाई इन गरीब लोगों के अगर नजरिए से देखा जाए वो गाड़ी और उनके अंदर जो बैठे लोग हैं वो बहुत बढ़िया लाइफ जी रहे हैं, बिल्कुल साफ सुथरी और सोफिस्टिकेटेड लाइफ जी रहे हैं, इसलिए पॉलिश ट्रैफिक कहा गया है. तो क्या है, द पॉलिश ट्रैफिक पास विद अ माइंड अहेड, मतलब ये जो ट्रैफिक में जो लोग हैं, ये जो गाड़ियां चला रहे हैं, वो इनके सामने से गुजर जाते हैं इनको बिना देखे, विद अ माइंड अहेड. और इनका दिमाग कहां होता है, आगे, मतलब रोड पे है इनका दिमाग, या अपनी लाइफ में जहां भी जा रहे हैं वो उस तरफ जाते जा रहे हैं और इनको बिल्कुल नहीं देख रहे. और इफ एवर असाइड अ मोमेंट, और अगर कभी गलती से भी इनका अ मोमेंट, एक बिल्कुल जरा से टाइम के लिए इनका दिमाग साइड पे चला भी जाता है, या साइड में वो देखते भी हैं कि क्या हो रहा है या फिर कौन बैठा हुआ है, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स. आउट ऑफ सॉर्ट्स क्या है, आउट ऑफ सॉर्ट्स एक इंग्लिश का फ्रेज है. इफ यू आर आउट ऑफ सॉर्ट्स यू फील अपसेट और अनॉयड, मतलब जब आप अनॉयड या फिर अपसेट फील करते हो तो आप आउट ऑफ सॉर्ट होते हो, ये इंग्लिश का एक फेज है. तो क्या कहा गया है कि अगर वो कभी साइड में गलती से भी देख भी लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा अनॉय और अपसेट हो जाते हैं. किस चीज से, एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट. वो क्या देखते हैं कि जो लैंडस्केप है, मतलब जहाँ पे वो गाड़ी चला रहे हैं वो एक बहुत सुंदर सी जगह होगी, वहाँ पे वो क्या नोटिस करते हैं कि जो लैंडस्केप है ये मार्ड कर दिया गया है. मार्ड करने का क्या मतलब होता है, मार्ड का मतलब होता है इम्पेयर द क्वालिटी और अपीयरेंस ऑफ, यानी स्पॉइल कर देना. मतलब क्या कहा गया है कि मार्ड का मतलब होता है खराब कर देना, बिल्कुल शक्ल सूरत बेकार कर देना. तो वो किस चीज़ से अपसेट हो जाते हैं कि जो लैंडस्केप है उसको खराब, उसकी शक्ल बिगाड़ दी गई है विद आर्टलेस पेंट, विद आर्टलेस पेंट, बिल्कुल भाई बेकार पेंट से. किस चीज का पेंट, ऑफ साइंस दैट विद एंड टर्न्ड रॉन्ग एंड एस टर्न्ड रॉन्ग, मतलब उन साइंस को जिनको उस रोड साइड स्टैंड के ऊपर ड्रॉ किया गया है, जिसमें एन की यानी नॉर्थ की भी डायरेक्शन गलत है और एस्ट टर्न रॉन्ग मतलब साउथ की भी डायरेक्शन गलत है. कि अब देखो पोएट ने कितना एम्फेसाइज, कितना ब्यूटीफुली एम्फेसाइज किया गया है अपनी बात को, कि यार देखो ये पॉलिश जो ट्रैफिक है ये तो भाई सीधा सीधा अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे जा रहा है, पर अगर वो कभी कभार साइड में देख भी लेते हैं तो वो कुछ नहीं करते, वो और गुस्सा हो जाते हैं और अनॉय हो जाते हैं. ये चीज देखिए कि कैसे इस रोड साइड स्टैंड के लोगों ने इतने प्यारे लैंडस्केप को, इतने प्यारे नजारे सीनरी को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, स्पॉइल कर दिया है आर्टलेस पेंट से, अपनी गंदी सी ड्राइंग से और अपने गंदे से घर से, जिसमें एन भी गलत, नॉर्थ भी गलत डायरेक्शन दिखाता है और साउथ भी गलत डायरेक्शन दिखाता है. तो ऑथर ने यहां पे अपनी बात पूरी कंप्लीट करके बताया कि लोगों का क्या ओपिनियन है, लोगों का क्या नजरिया इन गरीब लोगों को लेके. ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स. अब पोएट ने क्या बताया कि जिस रोड साइड स्टैंड की बात कर रहे हैं वो क्या बेच रहा है, ऑफर्ड फॉर सेल, वो सेल कर रहा है वाइल्ड बेरीज. बेरीज क्या होती हैं, जामुन, खट्टे जामुन वो बेच रहे हैं, वही जामुन जिनके ऊपर अगर नमक डाल के खाओ तो बड़े स्वाद लगते हैं. तो वो जामुन बेच रहा है इन वुडन क्वार्ट्स. वुडन क्वार्ट्स क्या होते हैं, लकड़ी की अगर आपने देखी हो कुछ इस तरीके की टोकरियां होती हैं, उनको कहा जाता है वुडन क्वार्ट्स. तो वो एक तो जामुन बेच रहे हैं और क्रुक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्वाश विद सिल्वर स्वॉट्स, मतलब वो बेच रहे हैं, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ तोड़ के. गोल्डन स्क्वाश तो होती है भाई एक तरीके की वेजिटेबल, इसकी अभी मैं फोटो भी आपको दिखाता हूँ, जिसके क्रुक नेक्ड है, मतलब जिसकी गर्दन क्रुक हुई हुई है. क्रुक का क्या मतलब होता है, बेंट और ट्विस्टेड, मतलब जिसकी गर्दन मुड़ी हुई है. विद सिल्वर वॉट्स, सिल्वर वॉट्स, वॉट्स क्या होते हैं भाई, वॉट्स होते हैं मतलब एक तरीके से जब किसी वेजिटेबल के ऊपर फफूंदी आ जाती है, थोड़े छोटे छोटे दाने आ जाते हैं फूले हुए, उनको सिल्वर वॉट्स कहते हैं. अब मैं फोटो के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं. देखो गोल्डन स्क्वाश तो ये वेजिटेबल है, इसकी क्रुक नेक है, जैसे आप देख सकते हो इसकी ये जो गर्दन है ये थोड़ी ऐसे मुड़ी हुई है,
और इसके ऊपर वॉर्ट्स हैं, सिल्वर वॉर्ट्स हैं, जैसे आप ये देख सकते हो छोटे छोटे ऐसे दाने इसके ऊपर उगे हुए हैं। तो ये एक इस तरीके की गोल्डन स्क्वाश जो है वेजिटेबल भी बेच रहे हैं जामुन के साथ। अब देखो ये इतनी बड़ी चीजें क्रुक नेक्ड और सिल्वर वॉर्ट्स क्यों बताया गया है इस सिंपल सी वेजिटेबल के साथ, क्योंकि पोएट ये एम्फसाइज करना चाह रहा है कि इन लोगों ने ये कोई पीछे से नहीं खरीदी है, मतलब किसी फार्मर से नहीं खरीदी है, इन्होंने खुद ही उगाई है और इनको ढंग से उगानी नहीं आती थी, इस वजह से इनके गोल्डन स्क्वाश में इतनी सारी कमियां हैं। तो यार ये बेचारे गरीब लोग ये जामुन बेच रहे हैं, गोल्डन स्क्वाश बेच रहे हैं, इनके पास यही है बेचने को, और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। अब हमें पता चल रहा है कि ये जो रोड साइड स्टैंड लगा हुआ है थोड़े कुछ माउंटेन साइड लगा हुआ है, तो ये रोड साइड स्टैंड पे क्या ऑफर कर रहे हैं, ये जामुन ऑफर कर रहे हैं, ये गोल्डन स्क्वाश ऑफर कर रहे हैं, और ये ऑफर कर रहे हैं, हालांकि ये बेच नहीं सकते उस चीज को। अगर कोई इंसान रुक के देखे तो एक ब्यूटीफुल माउंटेन सीन में ब्यूटी रेस्ट, मतलब अगर कोई इंसान आके रुके तो इस ब्यूटीफुल माउंटेन सीन में बड़ा सुंदर सा वो रेस्ट करने की जगह है वहां पे, या फिर देखने की जगह है, फोटोज खींचने की जगह है, तो वैसी कुछ वो जगह भी ऑफर कर रहे हैं। यू हैव द मनी बट इफ यू वॉन्ट टू बी मीन वाई कीप योर मनी एंड गो अलॉन्ग। अब देखो सबसे पहली बात, दिस क्रॉसली का क्या मतलब, क्रॉसली का क्या मतलब होता है इन एन अनॉयड और एंग्री वे, और ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मतलब यहां पे ये कहा गया है कि पोएट ने जो लाइंस बोली है ये बहुत गुस्से में बोली है, और उन्होंने गुस्से में क्या बोला है, यू हैव द मनी, तुम्हारे पास पैसा है, बट इफ यू वॉन्ट टू बी मीन, तुम्हारे पास पैसा है और फिर भी तुम मतलब ही रहना चाहते हो, तो वाई कीप योर मनी, तो तुमने अपना पैसा रखा ही क्यों हुआ है, जब तुम्हारे पास पैसा है तुम किसी गरीब को वो पैसा नहीं दे सकते, तो तुमने ये पैसा रखा भी हुआ क्यों हुआ है, एंड गो अलोंग, और तुम इस पैसे के साथ अपनी जिंदगी में आगे क्यों बढ़ते जा रहे हो, जब तुम्हारे पास इतना भी दिल नहीं है कि एक गरीब भूखे को तुम वो पैसा दे दो। द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट। अब पोएट क्या कहते हैं कि जो सीनरी को हर्ट किया गया है इन रोड साइड स्टैंड के लोगों के द्वारा, मतलब क्या है, अभी हमने देखा लोग आउट ऑफ सॉर्ट हो जाते हैं, जो ट्रैफिक निकलता है वो आउट ऑफ सॉर्ट हो जाता है, अनॉय हो जाता है इन रोड साइड स्टैंड के लोगों को देख के, क्योंकि ये सीनरी को खराब कर रहे हैं अपने घरों से और एस्टर्न रॉन्ग और एंटर्न रॉन्ग से। तो पोएट यही कहते हैं कि ये जो सीनरी को इन लोगों ने खराब किया है, मेरी ये कंप्लेंट नहीं है सो मच एज द, तो पोएट क्या कहते हैं, जितनी मेरी कंप्लेंट ये है क्या, द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड। सोरो का क्या मतलब होता है, सोरो का मतलब होता है फीलिंग ऑफ, सोरो इज अ फीलिंग ऑफ डीप सैडनेस और रिग्रेट, मतलब जो बहुत ज्यादा डीप दिल का दर्द होता है उसको सोरो कहते हैं, और ट्रस्टिंग का मतलब ये होता है वो चीज जो आप किसी को ट्रस्ट करके शेयर ना कर पाओ, किसी को कोई चीज लेके आप ट्रस्ट ना करो। तो जो पोएट कहते हैं मेरी कंप्लेंट ये है कि ये जो इन लोगों का दर्द है, जो ये किसी को ट्रस्ट करके, और व्हाट इज अनसेड, जो किसी पे ट्रस्ट करके किसी को बता नहीं पाते, ये मेरी कंप्लेंट है, रैदर देन कि आप लोगों की तरह जिनकी कंप्लेंट ये है कि इन लोगों के घरों ने सीनरी को कैसे खराब कर दिया है। अब देखो यहां पर नोटिस करो तो यहां कॉलन लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि आगे की आगे आने वाली चार पांच लाइन्स में पोएट हमें बताएंगे भी कि इन लोगों का वो दर्द क्या है जो ये किसी से कहते नहीं है। अब क्या कहा है आगे की लाइंस में गरीब लोगों ने, हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड। क्या कह रहे हैं वो लोग कि यहां पे सिटी से बहुत दूर वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड, हम अपने रोड साइड स्टैंड लगाते हैं, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड। और हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि लोग हमारा आके सामान ले और हमारे पास आए कुछ सिटी की मनी जिसको हम अपने हैंड पे ले सके, टू ट्राई If it will not make our being expand, और हम भी तो देखें, हम भी तो try करें कि क्या ये सिटी का पैसा हम लोगों की being को, हम लोगों की life को expand करता है, मतलब हम लोगों की life को थोड़ा सा भी आसान या थोड़ा सा भी हमें अच्छा कर देता है, जैसे सिटी में easy और luxurious life जी जाती है, and give us the life of the moving pictures promise। यहाँ पे apostrophe ऐसे इस चीज़ को बहुत अच्छे से नोटिस करना। तो क्या कहते हैं वो गरीब लोग कि हम भी तो वो पैसा लेके देखें कि क्या वो हमारी बींग को एक्सपैंड करते हैं, और क्या वो हमें वो लाइफ देते हैं जो मूविंग पिक्चर्स का मतलब है जो सिनेमा, बॉलीवुड, जो फिल्में हमें लाइफ प्रॉमिस करती हैं, मतलब हमें जो लाइफ दिखा
चाहती हैं कि भाई सिटीज में तो ऐसी लाइफ जी जाती है, इतनी लग्जरी में लोग रहते हैं, कार्स होती हैं, सब कुछ होता है, ये वाली लाइफ हमें जो पिक्चर्स में दिखाई जाती है, क्या वो लाइफ हमें मिल जाएगी सिटी के पैसे से? अब देखो यहाँ पे जो नोटिस करने वाली बात है, इन लोगों को तो ऐसा लगता है कि सिटी में जो पैसा है वो कुछ अलग ही पैसा है, उनके पैसे में ही कुछ अलग खुशबू है, कुछ अलग बात है, जिस पैसे की वजह से ये लोग इतनी बढ़िया, सिटी के लोग इतनी बढ़िया लाइफ जी रहे हैं, और हमारे पैसे से इनका पैसा शायद कुछ अलग है, इन लोगों को तो ये तक लगने लग गया है दैट द पार्टी इन पावर इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। अब अगेन वो आप पीछे की लाइन को कंटिन्यू करते हुए गरीब लोग क्या कह रहे हैं कि वो लाइफ जो मूविंग पिक्चर प्रॉमिस करती हैं वो हमें शायद मिल जाए, जो कि दैट द पार्टी इन पावर, मतलब जो पार्टी को उन्होंने जिता के गवर्नमेंट में लाया गया है, इज सेट टू बी, मतलब उन लोगों में ये माना जाता है, उन लोगों में ये कुछ कहा गया है कि जो पार्टी इन पावर है, जो गवर्नमेंट में पार्टी है, इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, वो हमसे वो मूविंग पिक्चर्स की लाइफ जो है वो हमसे दूर रख रही है, वो हमें वो दे नहीं रही है, ये उनके वहां कहा जाता है। इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दिस पिटीफुल किन। अब क्या कहा गया है, बिल्कुल एक नई बात करना चालू करते हैं हमारे पोएट, क्या कहते हैं कि इट इज इन द न्यूज, कि इन खबरों में आजकल ये सुनने में आ रहा है, खबरों में क्या दिखाया जा रहा है कि ऑल दिस पिटीफुल किन, पिटीफुल का क्या मतलब होता है, डिजर्विंग और अराउजिंग पिटी, मतलब वो चीज जो पिटी हमारे अंदर जगाए, पिटी का क्या मतलब होता है, मतलब बिल्कुल एक दया, एक लचारता, जो हमें लगे कितना लचार है यार, इसको कुछ तो मदद करो इसकी। किन, किन का क्या मतलब होता है, किन का मतलब होता है वंस फैमिली एंड रिलेशंस, मतलब ये न्यूज में आ रहा है कि ये जो सारे बेचारे गरीब लोग हैं, इनको और इनके परिवारों को आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड, मतलब इनको अपने जो यहाँ पे रूरल एरियाज में लाइफ जी रहे हैं अपनी विलेजेस में, उनसे बाहर लिया जाए, लाया जाएगा एंड मर्सीफुली गैदर्ड, और इनको पूरी एक दया भावना से गैदर इकट्ठा किया जाएगा इन टू लिव इन विलेजेस। किस लिए किया जाएगा, ताकि इनको विलेजेस बना के दी जाएगी नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, मतलब इनको सिटी में फाइनली कहा गया है न्यूज़ में कि कुछ ऐसा एक्शन लिया जा रहा है कि इनको भाई थिएटर यानी सिटी में जो थिएटर है और जो स्टोर्स हैं बड़े बड़े उनके पास इनके लिए भी विलेजेस, इनके लिए भी घर बनाए जाएंगे, ऐसे कुछ न्यूज़ में आ रहा है। वेयर दे वोंट हैव टू थिंक ऑफ देमसेल्व्स एनीमोर, और न्यूज़ में ये भी दिखाया जा रहा है कि इन लोगों को जब वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा तो इन लोगों को ऐसी जगह डाला जाएगा जहाँ पे उन्हें अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब इनको ये वादा किया जा रहा है कि इनको हर सुविधा दी जाएगी वहाँ पे, बिजली, खाना, रहना, मेडिकल फैसिलिटीज, इन्हें सब कुछ वहाँ दिया जाएगा और इन्हें अब अपने बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, ऐसा कुछ न्यूज़ में आ रहा है। ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशियंट बीस्ट ऑफ प्रे। अब यहाँ पे मेजरली जो हमारे पोएट ने बात करी गई है, ये दो वर्ड्स यूज करे हैं, ग्रीडी गुड डूअर्स और बेनिफिशियंट बीस्ट ऑफ प्रे, ये दो लाइंस यूज करी हैं। किन के लिए करी है पोएट ने यूज, यहाँ पे गवर्नमेंट, बिजनेसमैन और मीडिया, इन तीन ग्रुप्स के लिए क्या कहा है हमारे पोएट ने, इनको कहा है ग्रीडी गुड डूअर्स, मतलब वो गुड डूअर जो लोगों का भला करते हैं पर ग्रीडी होते हैं, मतलब वो जो भला कर भी रहे हैं किसी और का तो वो अपने लालच के लिए कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इनका लालच है। और उनको एक और चीज उन्होंने बोली है, बेनिफिशियंट बीस्ट ऑफ प्रे, प्रे क्या होता है, प्रे का मतलब होता है शिकार, मतलब वो बीस्ट ऑफ प्रे, शिकार यहाँ पे कौन है, शिकार है ये विलेजर्स, ये रोड साइड स्टैंड के लोग, ये जो शिकार हुए हैं, इनके जो शिकार करने वाले दानव है, जो इनसे फायदा उठाने वाले हैं, मतलब इनका शिकार करेंगे वो दानव और उन्हें शिकार करके जो बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, उनकी बात करी गई है। तो भाई हमारे पोएट की आप ये समझो कितनी ज्यादा डीप फीलिंग है, कितने ज्यादा वो गुस्सा है गवर्नमेंट, मीडिया और बिजनेसमैन से, कि वो भला कर रहे हैं फिर भी वो ग्रीडी हैं और वो शिकार करके उसका फायदा उठा रहे हैं, मतलब इन बेचारे गरीब लोगों का कोई सहायता करने वाला नहीं है, इनकी अगर कोई सहायता भी करता है तो उसका कोई ना कोई उनका बेनिफिट होता है, किसी लालच से करते हैं। स्वॉन ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स दैट आर कैलकुलेटेड टू सी देम आउट ऑफ देयर विट्स। विट्स का क्या मतलब होता है, विट्स का मतलब होता है कीन इंटेलिजेंस, मतलब उनका जो दिमाग होता है। तो अब इस लाइन का क्या मतलब है, ये जो लोग हैं, जो मीडिया, गवर्नमेंट और ये सारे बेनिफिशियंट बीस्ट ऑफ प्रे और ग्रीडी गुड डूअर्स हैं, स्वॉन ओवर, स्वॉन ओवर का क्या मतलब है कि आप किसी के ऊपर जब झुंड झुंड बना के उनके ऊपर भिनभिनाते हो मक्खियों की तरह, तो ये जो लोग हैं ये इनके लाइफ के ऊपर भिनभिनाते रहते हैं, एनफोर्सिंग द बेनिफिट्स दैट आर कैलकुलेटेड
कैलकुलेटेड, और इनको वो बेनिफिट एनफोर्स करते हैं, मतलब इनकी लाइफ में, इनके दिमाग में जबरदस्ती बेनिफिट्स घुसाते हैं दैट आर कैलकुलेटेड, जो बहुत सोच समझ के बेनिफिट्स बनाए गए हैं जो इनके दिमाग में घुसाए जाते हैं टू सूथ देम आउट ऑफ देयर विट्स, और वो बेनिफिट्स जो उनके इनका दिमाग अपने रस्ते से हिला देते हैं, इनका दिमाग खराब कर देते हैं। मतलब क्या है इस इन दोनों लाइंस का टोटल मतलब ये है कि देखो यार, जो गवर्नमेंट है, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट इन गरीबों के पास जाके क्या कहती है कि हम आपको ये बेनिफिट देंगे, हम आपको ये फायदा देंगे, आप बस हमें वोट कर दो। और बिजनेसमैन क्या कहते हैं कि हम आपको ये चीज देंगे, ये सुविधा देंगे, आप हमें अपनी जमीन दे दो। तो ऐसे ही यही लाइन में कहा है हमारे पोएट ने कि ये जो लोग हैं इनकी लाइफ के ऊपर भिनभिनाते रहते हैं, इनको वो बेनिफिट बताते हैं जो बड़े सोच समझ के लगाए गए हैं, ताकि मतलब उन लोगों ने बड़ा सोच समझ के बेनिफिट को फ्रेम किया है ताकि ये जो लोग हैं ये बिल्कुल अपने दिमाग से भटक जाएं और ये जो चाहते हैं बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस वो कर जाएं, और अल्टीमेटली इनको उसका नुकसान ही भरना पड़ेगा, ये भी हम अगली लाइन में पढ़ेंगे। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, और ये पॉलिटिशियंस और ये बिजनेसमैन इनको सिखाते हैं कि कैसे सोएं, हाउ टू स्लीप, मतलब क्या है वो इनको ये सिखाते हैं, इनकी इतनी बड़ी बड़ी ड्रीम्स बना के इनको सिखाते हैं कि बेटा तुम टेंशन मत लो, तुम सो, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहां पे बैठे हैं तुम्हारी जिंदगी संभालने के लिए, दे स्लीप ऑल डे। वो क्या करते हैं, पहले तो इनको सिखा देते हैं सोना कि बेटा सो, कोई टेंशन नहीं है, हम बैठे हैं, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, दे स्लीप ऑल डे। और वो ये बात बोलने के बाद खुद जाके सो जाते हैं, यानी पॉलिटिशियंस जैसे ही पावर में आ जाते हैं वो इनकी कुछ नहीं सुनते, वो खुद जाके सो जाते हैं, वो खुद जाके टेंशन फ्री होकर बिल्कुल लेट जाते हैं और इनका फिर सुनना बंद कर देते हैं जैसे ही वो पावर में आ जाते हैं। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एशियन, और फिर जब वो पावर में आ जाते हैं, जब उन्हें बिजनेसमैन को इनकी जमीन मिल जाती है, वो खुद जाके सो जाते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब इन्हें रियलाइज होता है गरीब लोगों के साथ क्या हुआ है, उनकी डिस्ट्रॉय हो जाती है रातों की नींद, उनको जब रियलिटी पता चल जाती है उनकी बिल्कुल रातों की नींद खराब हो जाती है। द एंशियंट वे, मतलब उसी तरीके से ये होता है जिस तरीके से एंशियंट, मतलब कई सालों से होता आ रहा है यार। मतलब बड़ी ना दुख वाली यहाँ पे लाइन है, मतलब बहुत दिल छूने वाली लाइन पोएट ने कही है कि ये जो हो रहा है इन गरीब लोगों के साथ कि पॉलिटिशियंस बिजनेसमैन आते हैं, इनको बेनिफिट गिनाते हैं, और फिर वो बेनिफिट जब इनको जब इनका मतलब निकल जाता है तो खुद जाके सो जाते हैं और इनको कोई बेनिफिट नहीं देते। ये जो हो रहा है ये आज की सिचुएशन नहीं है, 21st सेंचुरी की प्रॉब्लम नहीं है, ये राजा महाराजाओं के टाइम से चलता आ रहा है, जब बहुत पुराने जमाने में भी लोग इनको ऐसे ही यूज करते थे, इनको ऐसे बेवकूफ बना देते थे, और इन बिचारों की जिंदगी आज तक नहीं सुधरी है, आज तक उसी गरीबी में रह रहे हैं और ऐसे ही इनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। समटाइम्स आई फील myself I can hardly bear। अब पोएट बिल्कुल एक नई चीज स्टार्ट करते हुए क्या बोलते हैं कि कभी कभार मुझे ऐसा महसूस होता है, I can hardly bear, कभी कभार पोएट कहते हैं मुझे, मैं भी नहीं झेल पाता, क्या नहीं झेल पाते पोएट, the thought of so much childish longing in vain। longing का क्या मतलब होता है, strong desire, यहाँ गलती से मैंने strong की spelling गलत लिख दी है, और desire vain का मतलब क्या होता है, producing no result या फिर useless, मतलब कोई effort जो आप करते हो और जिसका आपको कोई result ना मिले वो वेन होता है एफर्ट। तो क्या कहा है कि पोएट कभी कहते हैं मैं झेल नहीं पाता द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग, मतलब ये जो रोड साइड स्टैंड के लोग हैं इनकी जो चाइल्डिश लॉन्गिंग है, इनकी जो चाइल्डिश डिजायर है, जो ड्रीम है, क्या है इनकी चाइल्डिश डिजायर कि भाई लोग हमारे स्टैंड के आगे लुकेंगे, हमसे सामान खरीदेंगे और हमें पैसा देंगे, जो कि वेन में जा रही है, वेन मतलब बिल्कुल बर्बाद हो रही है, उनकी ये ड्रीम बिल्कुल बर्बाद हो रही है। तो पोएट को कभी कभार इस बात पर गुस्सा आ जाता है, कभी कभार वो खुद इस चीज को बियर झेल नहीं पाते कि लोगों की कैसी ये बच्चों वाली डिजायर है कि इनसे कोई सामान खरीदेगा, इन लोगों की कैसे बच्चों वाली सोच है कि इस बुजदिल दुनिया में, इस मतलबी दुनिया में कोई इनके पास रुक के इनका सामान लेके इनको पैसे भी देगा। तो कभी कभार ऑथर इन पे ही गुस्सा कर जाते हैं, कभी बार वही नहीं झेल पाते इन लोगों की बच्चों वाली ख्वाहिश। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, अब पोइट क्या कहते हैं, एक सैडनेस, लर्क का क्या मतलब होता है, जो छुपके कुछ छुपके कोई चीज जो वेट करे, तो पोइट क्या कहते हैं, एक सैडनेस है जो कि छुपी हुई है वहां ओपन विंडो के पास। मतलब क्या है भाई, जो ये गरीब लोग हैं इनके घर में अब ये, इनके कोई ऐसा तो है नहीं दुकान में भीड़ लगी हुई है, तो अपने घर में घुस जाते हैं, अपनी खिड़की खोल लेते हैं
और ये वेट करते हैं वो लोगों के आने का, तो वो जो लोग वहाँ पे वेट कर रहे हैं विंडो के पीछे वो दुखी हैं, उनके मन में दर्द है और वो वहाँ पे दुखी होके खड़े हुए हैं, दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, और वो वेट करते हैं पूरा दिन प्रेयर करते हुए, किस चीज का वेट करते हैं, फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार। स्क्वील का क्या मतलब होता है, स्क्वील का मतलब होता है अ लाउड साउंड, तो वो वेट किस चीज का करते हैं, किस चीज का प्रे करते हैं कि क्या चीज हो जाए, कि एक बार ही साउंड आ जाए कोई ब्रेक्स की, और ब्रेक्स की साउंड होने का क्या मतलब है, गाड़ी के ब्रेक्स की साउंड का क्या मतलब है कि कोई गाड़ी रुकी है उनका सामान लेने के लिए, तो वो इस चीज का पूरे दिन प्रे करते हैं। पर होता क्या है, ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पास, जो इतनी हजारों गाड़ियां इनको बिना नोटिस करे पास कर जाती हैं, एंड वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेस आर, और जो रुकी भी है जिसके ब्रेक की आवाज आई भी है, उनमें से एक इंसान क्या पूछता है कि उनके फार्मर्स के उनके प्राइस क्या है, मतलब उनके उनके जो सामान बेच रहे हैं उसके दाम क्या है। एंड वन डिड स्टॉप, और एक और गाड़ी रुकी, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, पर वो गाड़ी किस लिए रुकी थी, क्योंकि देखो ऐसा कुछ हाईवे सा होगा, वो गाड़ी यहाँ जा रही होगी और उन्हें रियलाइज हुआ होगा कि गलत जा रहे हैं, तो उन्हें यू टर्न लेना होगा, तो वो यू टर्न लेने के लिए क्या करते हैं, गाड़ी यहाँ पे रुक जाती है और ऐसे बैक लेती है, और बैक में क्या उनका यार्ड है, मतलब जो भाई यहाँ पे कुछ घर है, मेरी ड्रॉइंग माइंड मत करना, वहाँ पे उनकी कुछ घास वास होगी, तो उस गाड़ी को क्योंकि पता चलता है उन्होंने गलत रास्ता ले लिया है, उन्हें यू टर्न लेना है, तो वो गाड़ी ब्रेक मार के रुकती है। इन लोगों की उम्मीदें जाग जाती है कि हाँ भाई कोई सामान लेने आया है, पर वो सामान नहीं लेते, वो उनकी घास पे अपनी गाड़ी चढ़ा देते हैं, बैक लेते हैं और फिर घूम जाते हैं। तो इन लोगों की तो बेचारों की दर्द भी जिंदगी में भी ऐसे ऐसा सस्पेंस है कि एक इंसान रुका तो बस रेट पूछने के लिए रुका, एक रुका तो उसने सिर्फ गाड़ी बैक करने के लिए रुका, एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड। बाउंड का क्या मतलब होता है, बाउंड का मतलब ये होता है कि जब आप कहीं जा रहे होते हो, तो जैसे आप अगर आप सीपी जा रहे हो तो हम ये कहेंगे कि यू आर बाउंड टू कनॉट प्लेस, कि आप सीपी जा रहे हो, कनॉट प्लेस जा रहे हो, तो फिर एक गाड़ी और रुकती है, पर वो भी किस लिए रुकती है, वो रास्ता पूछने के लिए रुकती है जहां पर भी वो जा रही होती है उस जगह का। अब And another to ask, और एक और फाइनली गाड़ी रुकती है, पर वो another to ask, could they sell it a gallon of gas? तो वो क्या पूछती है रुक के, कि क्या वो रोड साइड स्टैंड के लोग उन्हें एक गैलन ऑफ गैस, मतलब पेट्रोल, इंडिया में तो भाई पेट्रोल कहते हैं, वहाँ पे फॉरेन में गैस कहते हैं, कि क्या वो उनको कोई गाड़ी को भाई गैलन ऑफ गैस, क्या वो उन्हें थोड़ा सा पेट्रोल दे सकते हैं, एक गैलन पेट्रोल दे सकते हैं, शायद उनकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो रहा होगा, तो वो उस रोड स्टैंड के लोगों से पूछते हैं। दे कुडंट दिस क्रॉसली, अब दिस क्रॉसली मैंने पहले भी आई थी लाइन, मैंने बताया था कि दिस क्रॉसली का मतलब यह है कि पोएट ये लाइन गुस्से में बोल रहे हैं, तो पोएट क्या कहते हैं, दे कुडंट, भाई वो नहीं दे सकते, उनके पास नहीं है गैस, दे हैड नन, उनके पास ऐसा कुछ नहीं है, जरा सी भी उनके पास गैस नहीं है, डिडंट इट सी। तो अब पोएट भाई बार बार जो गाड़ियां हैं उसको इट करके बुला रहे हैं, ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, तो पोएट क्या कहते हैं कि उनके पास नहीं है, क्या उन्हें ये चीज दिख नहीं रही, गुस्से में पोएट कहती हैं, क्यों, क्योंकि देखो अब यहां पे चार गाड़ियों का जिक्र हुआ है, एक ने भाई प्राइस पूछा, एक ने यू टर्न ले लिया, एक ने बस घास उनकी खराब करी और यू टर्न ले लिया, एक ने रास्ता पूछा, एक ने गैलन ऑफ गैस पूछा, ये चार गाड़ियां रुकी और इन्होंने चारों ने उनका सामान नहीं लिया पर अलग अलग चीजें पूछी। भाई ये चार चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेना, चार कौन कौन लोग रुके थे वहां पे गाड़ी गाड़ी लेके अपने रोड साइड स्टैंड पे, तो ये चार लोग रुके पर इन्होंने कुछ नहीं लिया, इन लोगों की जिंदगी भी इतनी ट्रेजिक है, कोई उनसे सामान नहीं ले रहा। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। अब देखो कंट्री का क्या मतलब है, मैंने अपने पुराने चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन में कई बार ही बताया है कि जो फॉरेन में या वेस्टर्न कंट्रीज में जो रूरल एरियाज होते हैं, जो गांव देहात के इलाके होते हैं, वहां पे रूरल एरिया या विलेजेस नहीं कहते, वहां पे उन इलाकों को कंट्री साइड बोलते हैं। और स्केल ऑफ गेन क्या होता है, रेट ऑफ प्रोग्रेस, मतलब तरक्की का जो सालाना तरक्की है उसको स्केल ऑफ गेन कहते हैं। तो अब इस लाइन में क्या कहा है पोएट ने, नहीं, क्या नहीं, किस चीज को उन्होंने मना किया है कि जो कंट्री का पैसा होता है, यानी जो गांव देहात में पैसा घूम रहा है, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, मतलब जिस स्केल, मतलब जिस रेट पे सालाना तरक्की हो रही है इन गांव देहातों की, द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। रिक्विजिट का मतलब होता है एसेंशियल, तो ये जो पैसा है, इनका जो पैसा है और इनकी जो तरक्की का दर है सालाना, उससे
कभी भी जो एसेंशियल लिफ्ट ऑफ स्पिरिट है, मतलब जो एक एसेंशियल लाइफस्टाइल है, एक जो बड़ा बेसिक लाइफस्टाइल है जिसमें खाना हो, रोटी कपड़ा मकान हो, एजुकेशन हो, वो बेसिक चीज़ें तक हैज़ नेवर बीन फाउंड। वो बेसिक चीज़ें भी आज तक नहीं मिल पाई हैं इन लोगों को। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन। और यही चीज़, एटलीस्ट यही चीज़ जो है, इन लोगों की वॉइस जो है, ये जो कंट्री साइड के लोगों की है, इन लोगों की यही कंप्लेंट है कि हमारे पास जो पैसा है, हमारी जिस लेवल पे तरक्की होती है, उससे हमें हमारी जो चीज़ें बिल्कुल एसेंशियल होती है वो हमें हमारी लाइफ में नहीं मिल पाती। हमें थोड़ा सा सिटी का पैसा भी चाहिए, थोड़ा पैसा हमारे पास वहाँ से भी आए तो हमें लगता है कि शायद हमें वो लाइफ मिल पाए जो फिल्म्स हमें प्रॉमिस करती हैं। आई कैंट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी। अब पोएट क्या कहते हैं कि मैं अपने आप को रोक नहीं कर पाता ओन करने से। ओन करने से का मतलब ये है, बार बार ड्रीम करने से द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, कि मुझे कितनी दिल को तसल्ली और कितना मुझे रिलीफ मिले टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। कि अगर इन सारे लोगों को एक बारी में, एक स्ट्रोक में, सिर्फ एक बारी में एकदम से इनको इनके सारे दर्दों से मुक्त कर दिया जाए, इनको एकदम से भाई इनको गरीबी से बाहर निकाल के इनको थोड़ा सा भी एक अच्छी लाइफस्टाइल दे दी जाए, तो मेरे दिल को जो तसल्ली मिलेगी वो मैं बार बार सोचता रहता हूँ। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सीन, सीन का क्या मतलब होता है, ऑफ साउंड माइंड, या फिर आपको मैं बताऊं इनसेन का मतलब क्या होता है। इनसेन का मतलब होता है जो इंसान बिल्कुल पागल हो गया हो। तो पोएट अपने आप को ही बोलते हैं एक अलग तरीके से, इन तीन लाइंस में पोएट क्या बोलते हैं कि मैं तो भाई ये सोचना बंद नहीं कर पाता कि कितनी रिलीफ होगा और इन लोगों को एकदम से इनके सारे दर्द से बाहर निकाल दिया जाए। पर जैसे ही अगले दिन मैं रियल वर्ल्ड में आता हूं, जैसे ही मैं ये पागलों वाली सोच बंद कर देता हूं, क्योंकि यार रियल वर्ल्ड तो ऐसा है नहीं, रियल वर्ल्ड में तो सब मतलब ही है, तो जब मैं अपनी पागलों वाली सोच से बाहर निकलता हूं अगले दिन ये बार बार सपना देख के, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। तो वो क्या कहते हैं, वंडर, आई वंडर का क्या मतलब होता है, यू कैन से आई वंडर इफ यू वॉन्ट टू बी वेरी पोलाइट वेन यू आर आस्किंग समवन टू डू समथिंग। मतलब आई वंडर आप तब कहते हो जब आप किसी से बड़ी पोलाइटली कुछ करने को कह रहे हो उनके लिए। तो पोएट हमसे बड़ी पोलाइटली कहते हैं आई शुड लाइक यू टू कम टू मी। ये कुछ उस सेंस में कह रहे हैं जैसे अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि आई वुड लाइक यू टू कम टू माई पार्टी, तो मैं क्या, इसका मतलब क्या होता है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी पार्टी में आए। तो इसी तरीके से पोएट हमसे बड़ी पोलाइटली क्या कह रहे हैं कि जब मैं इस बेवकूफ वाली थॉट से बाहर आया, तो मैं बस ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब मेरे पास आओ एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मेरी मदद करो मेरे को मेरे दर्द से बाहर निकालने में। तो अब पोएट का, देखो पोएट का दर्द यहाँ पे क्या है, पोएट का दर्द ये है कि इन गरीब लोगों को इनकी गरीबी से निकाल दिया जाए। तो अब पोएट इनडायरेक्टली हमसे ये कहते हैं कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे पास आओ और मेरे को मेरे दर्द से निकाल दो, यानी कि इन लोगों की मदद करो, इन लोगों को पैसे दो थोड़े से, और इनकी भी ज़िंदगी इम्प्रूव करो ताकि इनका दर्द सही हो, और इनका दर्द ठीक होगा तो मेरा भी दर्द ठीक हो जाएगा। तो भाई ये थी हमारी पोयम। अगर आपको समझ में आई प्लीज़ कमेंट में बताना कि यार एक्सप्लेनेशन कैसा था। आप लोगों का लाइक और शेयर मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प होता है। तो यार बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।